भाद्र मास का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। माना जाता है कि 5000 वर्ष से भी अधिक समय से पहले देवकी और वासुदेव ने मथुरा की जेल में आधी रात को एक देवीय बालक को जन्म दिया था। वह देवीय बालक कोई और नहीं, भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। उस दिन भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। इस उपलक्ष में हर साल कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इस बार दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बेहद ही दुर्लभ वृद्धि योग लग रहा है। ऐसे में इस दिन कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। वैसे भी शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा कृष्ण जन्माष्टमी में करने पर व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बता रहे हैं जो आपको इस जन्माष्टमी में करने हैं। दोस्तों अगर तमाम कोशिशों के बावजूद आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो जन्माष्टमी के दिन आपको 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर या सफ़ेद मिठाई खिला देनी है। दोस्तों इस उपाय से घर में आमदनी बढ़ जाती है। जन्माष्टमी के दिन अगर आप नारियल व बादाम किसी भी कृष्ण मंदिर में चढ़ाएं तो इससे इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यदि पैसे की समस्या चल रही है तो जन्माष्टमी पर सुबह स्नान आदि करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर जाकर दर्शन करें, वो पीले फूलों की माला अर्पित करें, इससे आपकी परेशानी कम हो जाती है। सुख समृद्धि पाने के लिए जन्माष्टमी की शाम के समय आपको पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका लगवाना है। ऐसा करने मात्र से व्यक्ति का मन शांत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आने के योग बनते हैं। जन्माष्टमी के दिन आप किसी भी समय केले का पेड़ अगर लगा देंगे तो उसी दिन से आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी, आपका घर सदैव पैसों से भरा रहेगा। दोस्तों यह बहुत ही खास एवं गुप्त उपाय है। जी हाँ दोस्तों, केले का पेड़ जन्माष्टमी के दिन लगाने से व्यक्ति के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और धन घर का बढ़ता ही चला जाता है। इसके साथ ही दोस्तों जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को पान का पत्ता भेंट करने से और इसके बाद पत्ते पर रोली कुमकुम से श्री यंत्र लिख कर तिजोरी में रख देने से भी धन में वृद्धि होती है। इस दिन रात के वक्त अगर आप किसी भी कृष्ण मंदिर जाकर तुलसी की माला से इस मंत्र को 11 बार अगर आप जप ले तो भक्त की मनोकामना हाथों हाथ पूरी हो जाती है। मंत्र है दोस्तों, क्लीन कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्म मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदय नमो नमः। एक बार और मंत्र सुन ले दोस्तों। मंत्र है, क्लीन कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्म मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदय नमो नमः। दोस्तों इस उपाय को आप जरूर जन्माष्टमी के दिन करें, आपकी हर मनोकामना भगवान पूरी कर देंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना।